शान्ति शक्ति शान्ति जग आज 18 दस 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं और पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते तो तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए बाबा से प्यार मीन्स बाबा की मुरली से प्यार बाबा की शिक्षाओं से प्यार मुझे यही शिक्षाओं पर चलना है प्रश्न है रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए है ये फ्री स्कूल खोला है क्यों बाबा ने सारी दुनिया के लिए स्कूल फ्री खोला है कोई फीस नहीं कोई प्रोग्राम के चार्जेस नहीं कुछ नहीं है क्यों उत्तर है क्योंकि सभी ऑर्फन यतीम हो गए हैं सारे निधन के कोई धनी धोरी नहीं है किसी का बन गए हैं तो बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे तो इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो और जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता भल पिछाड़ी में आए लेट आए हैं अभी लेकिन थोड़ी मेहनत पर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं इस पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि शुरू शुरू में जो पहले आ गए उनको नंबर टॉप पर है लास्ट में आएंगे नंबर नहीं बनेगा ऐसा नहीं है लास्ट वाले भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं कैसे हो सकता है ये बाबा ने अंदर बताया गीत है जाग सजनिया जाग नवयुग रे बाबा के बोल रहे हैं बाबा के सब सजनियां बैठी है अपनी सजनियों को बाबा बोल रहे है नया युग आ रहा है सत्युग आ रहा है जाग जाओ तैयारी कर लो ओम शांति मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना रूहानी बाप ने कहा यहां तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना होता है एकदम अपने को चेंज करो मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं बस और परम पिता परम परम पिता परम पिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर मिले हैं इसीलिए इसको कहा जाता है आत्माओं और परम पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला ऊपर तो है ही है इस सृष्टि पर मिलन ये मेला एक ही बार होता है तो आधा कलप सत्यु त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं तुम बच्चे सुखी रहते हो जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रहे हो सत्यु में तो सुख क्यों है क्योंकि अभी पा रहे हो क्योंकि ही पहले सतो प्रधान थे अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो फिर बाप पावन बनाते हैं जब पुजारी बनते हो तो ही दुखी होते हो यानी पुजारी क्यों बने पूज थे जारी क्यों बने पांच विकारों के कारण ही दुख होता है अगर कोई दुखी है किसी पे ब्लेम ना करे अपने में देखे मेरे में कौन कौन से विकार हैं दुख मुझे मेरी विकार ही दे रहे हैं अब जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना उतना दुखी होते जाते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो अभी तो दुख है नहीं किसी को इतना अभी तो दुखे पहाड़ गिरने हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है विनाश का सीन इमर्ज करो भूकंप आ रहा है बाढ़ आ रही है आग लग रही है क्या करेगी उस समय क्या सीन करेगी उस समय अभी सब फैसिलिटीज़ हैं सारी फैसिलिटी खत्म हो जाएगी वो तो सीन आने वाला है जल्दी बहुत जल्दी तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा है निराकार वो टीचर बनकर हम साली ग्रामों को पढ़ाते हैं कहते हैं बच्चों हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं तो पांच हजार वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे याद है ना पूछ रहे बाबा याद है ना संगम पर ही तुमको बनाया था अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता यानी वैकुंठ स्वर का मालिक बनाने आया हूं तुमको ये वर्षा दिया था फिर तुम तुमको चौरासी जन्म लेने पड़े अभी तुम्हारे चौरासी जन्म पूरे हुए अभी मैं आया हूं फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है लास्ट जन्म है फिर ऊपर जाना गई भाई ऊपर जा करके फिर दोबारा शुरू करना है तो मैं तुम्हारा बाप हूं तुमको पढ़ाता भी हूं अब बाप पढ़ाने की फीस बच्चों से लेगा बच्चों से फीस कैसे लेंगे एक पाई भी फी नहीं लेता यहां पर फीस है कोई एक पैसा भी फीस नहीं लेता और कितना दूर परम धाम से आता हूं तुमको पढ़ाने बाबा कहता पढ़ाई नहीं रहा पढ़ाने में क्या बोला बाबा ने ये नौकरी करने रोज आता हूँ बाबा नौकरी कर रहा है परम धाम से नौकरी करने रोज आता हूं अब कोई की नौकरी दूर कहीं होती है तो रोज आना जाना होता ही है ना तुम जानते हो बाबा है ज्ञान का सागर जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं भगवानुवाच कहते भगवान मैं निराकार परमात्मा हूं ना कि कृष्ण तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वो भगवान हो ही ना सके क्यों नहीं भगवान हो सकता वो क्यों नहीं भगवान हो सकता वो क्योंकि वो तो पूरे चौरासी जन्म लेते हैं भगवान को अपना शरीर नहीं है जैसे तुम आत्मा हो है वो भी आत्मा फर्क क्या है परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ ही मिल जाएंगे इसलिए मुझे कहते हैं परम आत्मा आत्मा तो वो भी है सारी है पर मैं कहूं सबसे सुप्रीम सोल परम आत्मा फिर ड्रामा प्लान अनुसार ड्रामा की प्लानिंग ऐसी है मुझ आत्मा का नाम शिव है हूँ मैं निराकार मुझे बुलाते ही हैं कैसे बुलाते हैं शिव बाबा भाप है ना वो कैसे बुलाते हैं हम शिव बाबा असुर मेरा नाम एक ही है बाकी नाम बिन बिन रख दिए हैं जैसा काम वैसे वैसे नाम रखे गए मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं ना कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा ये सब है झूठ मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूं गॉड ट्रुथ इसलिए वो सच बतलाता हूं तुम बताते नहीं हो तुमको सच सच नर से नारायण बनाने मैं आया हूं मेरा घर है बहुत दूर यहाँ आकर इस शरीर द्वारा ब्रह्मा के तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ और सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूँ चक्कर लगाता रहता हूँ कोई पढ़ना चल के फिर इसमें आ गए मेरी गलानी करने के कारण मेरी गलानी करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो बहुत ज्यादा दुख का कारण पतित बनने का कारण क्या हुआ मेरी गिरानी क्या गिरानी की वो कुत्ते बिल्ले सब में बैठा हुआ है ना जितना तुमने ऐसे कहा कण कण में है परमात्मा उतना तुम दुखी हुए हो अब फिर ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते हैं कोई आदम कहते हैं कोई एडम कहते हैं कोई महावीर कहते और तुम क्या कहते हो प्रजा पिता वह है आत्माओं का पिता ब्रह्मा कौन है प्रजा पिता मनुष्य सृष्टि का पिता ह्यूमैनिटी का पिता तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है इसीलिए मुझे इस प्राय देश में आना पड़ा क्योंकि यहां सब पतित हैं इसलिए दुखी हैं यह तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है यानी बेहद के बाप को कोई जानते ही नहीं और दुनिया में भक्ति मार्ग में कितने जप तप दान पुण्य आदि आदि करते हैं फिर पूछा जाता है ये क्यों करते हो क्या कहेंगे इसे भगवान के पास पहुंच जाएंगे कोई जप तप करने से पहुंचेगा कोई शास्त्र पढ़ने से ऐसा दे बिलीव शास्त्र पढ़ लो चाहे तब जब कर लो बाप कहते हैं ऐसे तो है ही नहीं भक्ति करते करते तो तुम क्या हुआ शास्त्र सुनते सुनते भक्ति करते करते पाठ पूजा करते करते क्या हुआ तुम और ही पतित बन गए हो क्योंकि पंख टूट गए हैं आत्मा के पंख कौन से हैं ज्ञान योग के पंख टूट गए हैं तुम उड़ी नहीं सकते हो तो जब तक तुम्हारे में ज्ञान घृत ना पड़े घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योति बुझ गई है फिर मैं ही आकर भरता हूं तो चर्ची कला कैसी होती है जब ये परमात्मा का दिया गया ज्ञान सुनेंगे और योग करेंगे दो ही तरीके हैं का नाम के लिए जाने के लिए बाकी इसके बगैर कुछ भी एफर्ट्स करते हो कुछ भी मेहनत करते हो गिरावट ही लाएगी आपकी लगेगा कि नहीं अब ठीक हो जाएगा ठीक है होना कुछ नहीं ठीक अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है यहां तुम खुशी में रहते हो है ना यहां तुम खुशी में रहते हो घर से में जाने से भूल जाते हो तुमसे मैं इस पढ़ाई की फी नहीं लेता हूं तुम कहेंगे हम चावल मुट्ठी देते हैं है ना देते हैं थोड़ा बहुत जितना होता है थोड़ा बहुत देते हैं तो बाबा ने कहा ये चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आयो कुछ ना कुछ तो भगवान के नाम पर देते ही आयो पर जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है अभी तो तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं और फ्री पढ़ाते हैं क्यों बाप फ्री क्यों पाता है फीस क्यों नहीं है क्योंकि जानते हैं इनों के पास रखा ही क्या है <laughs> क्या है पल्ले है कुछ पले? रखा ही क्या है क्या फीस बाबा को दे था कुछ फीस तो बाप थोड़ा ही तुमसे कुछ लेंगे भूखे लगे बैठे क्या ले बाबा उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है कितने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूं स्कूल में जो आते जाते हैं उनको एड करता जाता हूँ नए नए बच्चे आते रहते हैं हाँ जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स न मिलती है जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है क्योंकि नई नई अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं तो बाप कहते हैं अब जो शुरू शुरू में आ गए शुरू में आना चाहता जब ब्रह्म बाबा से उस समय आना चाहते कि अभी ठीक है क्या कहेंगे उस समय आना आते तो बड़ा मजा आता नहीं अभी क्यों आए बाबा ने इसका जवाब दिया बाबा ने कहा शुरू शुरू में जो आए वो कितने तो भागंती हो गए इसलिए अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए हो है ना धक्के खा के लास्ट में आयो ना अच्छी बात है सो फिर तुमको गुयाते गुया, गुया पॉइंट्स मिलती है कितनी गहराइयों के पॉइंट्स मिलती है तो बाप कहते हैं जिसमानी पढ़ाई भी पढ़ो वो स्कूल कॉलेज में जाओ पढ़ो क्योंकि शरीर निर्वाह अर्थ धंधा धोरी भल करो धंधा भी तो करना है ना शरीर निर्वाह भी करना है वो करते भी सिर्फ याद मुझे करो और चक्कर को याद करो मन -मना भाव और मद्याजी भाव करो ये भूलना नहीं चाहिए क्या कि बाबा को याद करना है मैंने नौकरी बिजनेस करते पढ़ाई करते भी और चक्कर को भूल चक्कर लगाना है ये भूलना नहीं चाहिए ये तो समझते हो ना कि अब हमारे चौरासी जन्मों का अंत है यानी कितना दुखी अशांत परेशान होना था एंड हो गया अब सुख के दिन स्टार्ट हो गए हमारे तो बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो तो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे याद तो तुम बाप को भी करते हो अपने पति को भी करते हो अब मैं तुम्हारा कौन हूँ पतियों का पति बापों का बाप हूँ फिर टीचर भी हूँ मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ और सुख देने वाला हूं वो पतित संबंधी आदि तो तुमको दुख ही देंगे ही तो बनाएंगे दुख ही देंगे सत्युग में कोई किसी को दुख नहीं देते अब मैं आया हूँ सत्युग का राज्य भाग्य देने और तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप से हम वर्षा लेते हैं कैसे मिलेगा वर्षा अब जितना तुम पढ़ेंगे पढ़ाई भी बहुत सहज है ये है ही सहज ज्ञान और सहज याद फिर ज्ञानों को मशू नहीं है आसान है फिर मौत भी सामने खड़ा है मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने इसलिए मुझे कहते भी हैं कालों का काल महाकाल ये भी कहते हैं कि इनको काल खा गया कहते ना वो काल खा गया जी इनको पवन का काल शरीर को खाता है आत्मा को तो खा ना सके आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है यानी पाठ बजाती है अभी तुम जानते हो एक ही धक से ये सब खलास हो जाएगा क्योंकि मौत ऐसा होना है जो कोई किसी के लिए रोएगा ही नहीं देखा ना ये सैंपल वापस ने तैयार किया ना कोरोना का सारे सारे उड़ गए कितने लोग उड़ गए रोने धोने वालों को रहा ही नहीं कहीं तो ये वापा ने सैंपल बताया था कि लास्ट में क्या होगा अभी सब लास्ट के सैंपल चल रहे सारे ये क्योंकि वापस सभी को जाना ही है रोते तब हैं जबकि पुनर्जन्म फिर फिर दुख की दुनिया में ही लेते हैं तुम तो बाप को बुलाते भी इसीलिए हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ तो अब बाबा आया हुआ है तो जो भी मनुष्य मात्र है सभी को ले जाते हैं क्योंकि विनाश होगा तो सभी मरेंगे ना रहेगा कोई नहीं गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है अब मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती कितनी गवर्नमेंट ने प्लानिंग की बच्चे कम हो बच्चे कम हो पॉपुलेशन कम हो पावनिका क्या प्लानिंग चली उनकी मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है छोटी छोटी टाल टालियों में भी कितने पत्ते निकल आते हैं नए नए धर्म आ रहे हैं कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी झाड़ तो बढ़ेगा ही बच्चे तो बढ़ नहीं है पॉपुलेशन बढ़ेगी परंतु उनकी आयु भी जरूर है कल वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष तोड़ हो सकती है अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं पूज देवी देवता बनाने के लिए पढ़ाई क्या हमारी है ज देवी देवता बनाने के लिए तो पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है और धर्म वाले तो आते ही पिछाड़ी में हैं सत्युग में तुम आते हो पढ़ाता भी तुमको ही हो सिर्फ कहता हूं क्या कहते हैं बाबा पावन दुनिया में चलना है चलना चाहे पावन दुनिया में तो विकार में मत जाओ विकार में नहीं जाना फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो क्या विश्व बिगड़ नहीं रह सकते विकार बिगर नहीं रह सकते फिर मेरी मत पर ही नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे और तुम्हारी आशी थी कृष्णपुरी में जाने की तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे व प्रजा में जाएंगे अब कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेस ही करेगा वही करेंगे ना प्रजा थोड़ी करेगी ये मम्मा बाबा भी पढ़ ही रहे हैं तुम जानते हो ये राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे बाबा ने पहले के लिए कर देते तो कि मम्मा बाबा श्री कृष्ण बनेंगे बाद में स्वयंवर के बाद ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे अब राजाई वालों की ही माला बनती है जो राजा बनना है उन्हीं की माला बनेगी आठ दाने में आओ अच्छा आठ में नहीं तो एक सौ आठ में तो आ जाओ चलो कम से कम सोलह हजार एक सौ आठ में तो आओ ये है ही राजयोग या प्रजा योग नहीं सिखाते दास दस योग नहीं सिखाते राजाओं का राजा बनने का योग है तो बाप क्या करना क्या पड़ेगा इसमें कैसे बनेंगे राजा राजा बाप की श्री मत पर चलना चाहिए और घर के भातियों को भी समझाओ जो घर में फैमिली मेंबर्स है ना आपके उनको भी समझाओ बाप तुमको समझाते हैं औरों को समझाने के लिए क्या आप समझाना है कि पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है तो महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है जबकि भगवान आया था और भगवान ने ही आकर राजयोग सिखलाया था और स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हुआ ये वही समय है जबकि महाभारत एपिसोड बना हुआ है ये वही समय है फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी सत्युग में दूसरा धर्म होता ही नहीं तो भारत कितना सिरताज था कितना साहूकार था क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन लोग अंग्रेज लोग सब यहां से ही साहूकार हुए हैं भारत को लूटा उन्होंने तभी अंग्रेज लोग पैसा आया कहां से पैसा आया उनके पास यहीं से पैसा आया सोमनाथ के मंदिर से भी कितना माल ले गए ऊंट भर भर के मुसलमान लोग कैसे अमीर बने ऊंट भर भर के सारा सोना यहाँ से ले गए ये तो एक मंदिर की बात है भारत में मंदिर ही बहुत है बाप सारे झाड़ का राज समझाते हैं कि मैं बीज ऊपर में हूँ ये उल्टा झाड़ है ना क्योंकि तो बाप नॉलेज फुल कहते मैं हूं ना तुम मुझे पुकारते ही हो हे पतित पावन आओ फिर भी कह देते वो नाम रूप से न्यारा है ये तो रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया विकारों में फंस करके तुम एकदम बेसमझ बन गए अब तुमको स्मृति आई स्मृति आ गई क्या स्मृति आई हमारा बाप कौन है ये चक्कर कैसे फिरता है अब सबकी समझ तो एक जैसी नहीं होती है ना सबकी समझदारी अलग अलग है और कमाल की बात है एक की समझ ना मिले दूसरे से लोग बोलते ना समझ नहीं आती समझा रहा हूँ अरे तेरी समझ अलग है और उनकी समझ अलग है एक ही मिलती नहीं समझ किसी से एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से शक्ल नहीं मिलती किसी तो अब तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए ना वो बाप भी है टीचर भी है तो सतगुरु भी है तुम जानते हो ये फीस कुछ लेते नहीं बिगर कौड़ी खर्चा तुमको इक्कीस जन्मों के लिए राजाई मिल जाती कितना ग्रेट बाप हमारा नहीं खर्चा कुछ भी नहीं और इक्कीस जन्मों की बात चाहिए तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को ही स्वर्ग बनाता हूं इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वो बच्चों का ही लगता है अब बाबा के घर बनाएंगे कुछ बनाएंगे तो बच्चे रहना है पर इसलिए बनाएंगे बच्चों ने क्लास करनी इसलिए बनाएंगे बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है इस एक ब्रह्मा को जब बाबा ने कैसे संस्था को इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए मन इनमें प्रवेश करके इनसे सब कुछ कराया ये तो जड़ स्वाह हो गया बाबा बता रहे ब्रह्मा बाबा के बाद ब्रह्मा बाबा को समझाया सारा लगा दिया सफर कर लिया अपना सब कुछ जो इनके पास था वो सब दे दिया और बाबा बोले बैगर बन जाओ बैगर बन जाओ भिखारी बन जाओ मेरा वो कुछ है ही नहीं तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा साक्षात्कार करा दिया फिर उनको ख्याल आया ब्रह्म बाबा को अब ये क्या करेंगे ख्याल है ना अब अब ये क्या करेंगे विनाश होना ही है देखा तीन पैसे हैं कुछ है, क्या करूँगा जब विनाश ही होना है तो बाबा ने कहा बंदर मुआफिक मुट्ठी बंद नहीं करो खोल दो झट खोल दी बंदर की खासियत क्या होती है बंदर मरता है कैसे पकड़ता है कैसे जाता है बंदर को चंद डालते चन डाल देंगे है ना और फिर चौने अंदर डालेंगे उसमें वो मुट्ठी डालेगा भर लेगा बंद कर लेगा मुट्ठी खोलेगा नहीं वो घड़े में डालेंगे ना खोलेगा नहीं वो फिर वो पकड़ा जाता है ऐसे हमने भी बाबा ने कहा तुम्हारे को इतना सारा दिया मैंने सब कुछ मार मिल गया अब इसको बंद करके पैसे स्टोर करके रखो बैंकों में रखो लॉकर में रखो उसमें रखो इन्वेस्ट करो लगाओ पैसे ये बाबा ने समझाया बंद नहीं रखो खोल दो झट खोल दी झट खोल दी नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता साढ़े तीन सौ तो भाई बहन थे कहना सारा यहाँ गाड़ी में दो बच्चे नहीं पाले जाते साढ़े तीन सौ तो को परवरिश करना आसान थोड़ा था कोई झट खोल दी झट है ना बच्चू बादशाह पीरू वजीर ये हो गया समझ गया कि मैं बादशाह बनूंगा ये वजीर हो गया एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया बहुत तो इन्वेस्टमेंट नहीं कराया एक कोई पैसे के लिए पकड़ लिया अब तुम बच्चों की भट्टी बननी थी फिर स्कूल भी बने थे दादियाँ जितनी हैं हमारे तो दादी वगैरह बाबा का स्कूल था हॉस्टल था वहीं पढ़ते थे बच्चे इतना बड़ा स्कूल खोला हॉस्टल खोला बच्चों को वहीं पर दूसरी पढ़ाई पढ़ाई यहाँ भी ज्ञान भी सुनाते रहे ऐसे ऐसे बच्चे निकले दादियाँ ऐसे निकली हैं इतने महार थी ऐसे ना बनते हैं स्कूल भी बने थे अभी तुम होशियार हो फिर औरों को भी पढ़ाते हो तुम कितनों का कल्याण करते हो अब बाप है ही कल्याणकारी क्या कल्याण करते बाबा क्या कल्याण करते हैं सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं कलयुग दुनिया से निकाल के सत्युग दुनिया में ले जाते हैं अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे फिर प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियों आदि की युक्तियां और भी निकलती रहेंगी ढेर प्रजा बनती जाएगी जितनी प्रदर्शन में जाती ना जो क्लास में नहीं आते सब प्रजा बन रही है आपकी राजा रानी तो होते ही थोड़े हैं प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है ना किंग क्वीन तो एक ही है वहां लड़ाई झगड़ा आदि होता ही नहीं तो बच्चे जानते हैं अभी तो मौत सामने खड़ा है जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनेंगे कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा योग में रहने से और कोई उपाय है ही नहीं सपूत बच्चे सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं बाप पावन बने बच्चा ना बने तो वो कपूत बच्चा ठहरा ना तो बच्चा कपूत है तो इसमें तो नष्टो मोहा बनना होता मोह नहीं रखना उसमें मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई वर्षा भी उन्हीं से मिलेगा अब बाप से वर्षा पाना है कौन सा नई दुनिया का तो पतित मत बनो क्या बाबा कह रहे हैं नई दुनिया का वर्षा पाना है तो पतित मत बनो पावन बनने बगैर नई दुनिया में जा ही नहीं सकेंगे जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोगनी पड़ती है जैसे कि तिरसठ जन्मों के पापों की सजा मिलती है गर्भ जेल में भी सजा ही भोगते हैं सत्युग् में कोई जेल आदि होती ही नहीं है ही स्वर्ग अब बाप साधारण तन में आए हैं इसलिए बाप को पहचानते ही नहीं बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी तो बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में, में आता हूं फिर इनको नंबर वन पावन बनाता हूं किनको ब्रह्मा बाबा को नंबर वन पावन बनाता हूं और बाप कहते हैं क्या कहते हैं ब्राह्मण दोबारा बोलता हूं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं फिर इनको नंबर वन पावन बनाता हूं तत्त्वम तुम्हारा भी यही ऐसे है तुम भी पावन बनते हो तुम बाप के बच्चे बने हो तो प्रजा पिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो इसलिए बाप दादा कहा जाता है बाप दादा क्यों कहते हैं कि शिव बाबा के बच्चे भी बने हैं और ब्रह्मा के बच्चे भी बने हैं तो बाप समझाते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा है शरीर पर विनाश में तो चलो बाद में होगा शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है बाप को याद करते रहो सुदर्शन चक्कर धारी बनो और सारा दिन यही बातें ख्याल में रहे ठीक है ना शेर अमृत वाला किया बाबा को याद किया सुदर्शन चक्कर फिराया फिर तो सारा दिन यही चक्कर लगाते रहो अच्छा मीठे मीठे सिख की लद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार है पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है पूरा पूरा ष्टो मोहा बनना है कैसे एक शिव बाबा दूसरा ना कोई ये पाठ पक्का करना है और सपूत बच्चा बन मात पिता को फॉलो करना है दूसरा बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है इसलिए बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है और सुदर्शन चक्करधारी बनना है पूरी मेहनत ज्ञान और योग में करनी है ठीक है क्योंकि अभी खर्चा तो कोई है नहीं वाला खर्चा कोई फीस या कुछ नहीं है ठीक है ना क्योंकि क्यों क्योंकि बच्चे कैसे हैं गरीब निवास है सब बच्चे गरीब हैं सब गरीब हैं इतने पैसे हैं तो गरीब कैसे हो गए हैं कहाँ इतने जो की सारे पैसे हैं पैसा ठीक ठाक है वो गरीब कहां से हो गए बाबा किस गरीबी की बात कर रहे हैं सब बच्चे चरित्र से गरीब हो गए हैं चरित्रहीन हो गए हैं इस चरित्र को बाबा कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ मैं चरित्रों को ठीक करने आया हूं इस गरीबी में जितने विकारों में जाओगे उतनी गरीबी आएगी जितने निर्विकारी बनोगे उतनी अमीरी आएगी ठीक है ना वरदान सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव सेवा तो बहुत दुनिया करती है पर सच्ची सेवा करनी है सच्ची सेवा क्या है आपके चेहरा बताए मस्तक में क्या है आपके संकल्पों में क्या है आपका चेहरा बताए ठीक है ना क्या बताना चाहिए सब खजानों से भरपूर बन जाओ उसके ज्ञान का खजाना गुणों का खजाना शक्तियों का खजाना समय का खजाना संकल्पों का खजाना सारों से भरपूर बनो है ना वो आपके चेहरे से दिखे तब है आप सच्चे सेवाधारी अदरवाइज कौन हो झूठे सेवाधारी दिखावे के सेवाधारी बापर का जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरी नशा दिखाई देता है उनका चेहरा ही सेवा करता है जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वो भी उनके चेहरे से दिखाई देता है जैसे कोई ऊंच गुल का होता है तो उनके चेहरे से वो झलक और फलक दिखाई देती है ऐसे आपकी सूरत कैसी हो आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी कौन बैठे यहां पर सच्चे सेवाधारी बैठ ऐसे बैठे तो ऐसे लगते हैं, जैसे कि मार मार के बैठाया होता है शक्ले देखो अपनी स्लोगन करना क्या है समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ क्या करना है कुल मिला के बाबा ने काम दे दिया अब समय और संकल्पों के खजाना ना बजन करो कैसे प्रैक्टिकल कैसे करेंगे अमृत वेला जब करते हैं ना तो उस समय इधर उधर के संकल्प आएंगे कोई संकल्प नहीं आना चाहिए एक संकल्प में चलना है हमने जो बाबा ने कहा है अपने सोमान में टिको उस संकल्प में चलो और समय चार से पाँच बजे का अमृत वाला टाइम है और समय लेट नहीं होना कुछ नहीं होना समय की इम्पोर्टेंस रखो जब आप अमृत वेले समय की और संकल्पों को चलाने की जब बचत कर लोगे यही बचत की आदत बढ़ जाएगी इसी से आपका आगे आगे जमा होगा क्योंकि जो जमा क्या आपका होगा आगे के लिए सत्रु में ऐश कैसे करेंगे जब आप अभी जमा करोगे सब कुछ अभी मिलना है तो इसलिए समय व्यर्थ में न जाए बचत करो संकल्प एक भी इधर उधर व्यर्थ ना जाए बचत करनी है ओम शांति